हाय फ्रेंड्स, बिफोर आई स्टार्ट स्पीकिंग, बोलने के पहले मैं आपसे कंफर्म करना चाहूँगा कि मेरा वॉइस ऑडिबल है क्या? आप ओके, ग्रेट. सो लेट्स स्पीक अबाउट दिस टॉपिक ऑफ व्हाई शुड नॉट वी यूज द ओम एज अ लोगो. व्हाई इट इज बैड टू यूज द ओम एज अ लोगो. सो बिफोर वी स्पीक अबाउट ओम बीइंग बैड as a logo, let's also speak about the yesterday's symbol which we discussed for logo. The symbol was about the swastika. So when we spoke about swastika, a lot of people complain about the way I had drawn the swastika was bad and this and that. A lot of people opposed the idea as well. So for all those people who oppose that idea of my swastika being the wrong, let me make you understand. When you draw swastika, you have power to choose how to draw it. But when you are using swastika to print, you don't have any power, right? It will print the way I had drawn it on the board. And I was explaining that concept to you guys, that this is how the swastika will be. So now let's understand in today, what is the importance of ओम. सो वट इज ओम? ओम बेसिकली इज अ यूनिवर्सल साउंड. तो ओम जो है वो एक यूनिवर्सल साउंड है, और ऐसा बोला गया है, ऐसा कहा गया है कि ओम के उच्चारण से इस सृष्टि का निर्माण हुआ. पहले कुछ भी नहीं था, और उस समय पे एक आवाज हुआ, एक ब्रह्मनाद हुआ, एक नाद हुआ, और उस ओम के बाद इस सृष्टि का निर्माण हुआ. उस ओम का तो सभी जो चीज़ें बनी है उसके बाद, जो सभी जो चीज़ें अवतरित हुई उसके बाद, वो सभी में उस ओमकार के अंश हैं, वो ओमकार का ध्वनि है. तो जो भी लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ें, जो भी जीवित और निर्जीव, वो दोनों चीज़ों में ओमकार एग्जिस्ट करता है. ये यूनिवर्सल साउंड है. इसलिए जितना आप उस ओमकार को बोलते हो, जितना आप उस ओमकार को उच्चारण करते हो, उतना आप यूनिवर्स के नज़दीक जाते हो. आपका जो आत्मा है उसको सुख मिलता है, आपका जो वाइब्रेशन है वो काम डाउन होता है, और वो यूनिवर्सल फ्रिक्वेंसी के साथ सिंक होता है. वो सूरज की रोशनी है, वो आपके अंदर का प्राण है, वो सभी चीज़ें हैं वो ओमकार. तो ओमकार जो है बेसिकली तीन चीज़ों से बना हुआ है. एक है आ, दूसरा है एंड दूसरा है तीसरा है आ उ म. तो आप जब आ का उच्चारण करते हो सिर्फ आ, तो आपके नाभि के आजू बाजू में वाइब्रेशंस होंगे, वहाँ पे आपको जो ध्वनि का तरंगे है वहाँ पे महसूस होंगी. जब आप ऊ का उच्चारण करते हो तो आपको जो तरंगे है ध्वनि की, वो आपके हृदय के आजू बाजू में महसूस होंगी. और जब आप इस चीज़ का उच्चारण करते हो तो आपके गले के ऊपरी भाग में आपको इस ध्वनि का, जो ध्वनि की जो तरंग है वो महसूस होंगी. अब ये सिंबल बड़ा पावरफुल है. ये इस सिंबल से ज़्यादा ये जो ध्वनि है, ये जो वाइब्रेशन है, ये जो उच्चारण है, वो बहुत 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 ही ज़्यादा पावरफुल है. पर जब इसी उच्चारण को आप एज ए लोगो यूज़ करते हो, जब आप इसी उच्चारण को आप देवनागरी स्क्रिप्ट में एज ए लोगो यूज़ करते हो, तो उस देवनागरी स्क्रिप्ट में इसका जो रिप्रेजेंटेशन है, जो प्रेजेंटेशन है, उतना स्ट्रांग नहीं. शायद वो प्रेजेंटेशन बहुत स्ट्रांग है आपको एक स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के लिए, आपको एक अलग दिशा में आपको अग्रेसर करने के लिए. लेकिन एक जब आप कमर्शियल एंगल इसमें डालना चाहते हो, जब आप इस पर्टिकुलर सिंबल को यूज़ करके पैसा कमाना चाहते हो, ज़्यादा पॉपुलर होना चाहते हो, ज़्यादा रिच होना चाहते हो, ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस करना चाहते हो, उस समय पर ये ध्वनि का जो ज्योमेट्रिक फिगर है, इस ध्वनि का जो चित्रीकरण है, वो चित्रीकरण आपको उस डायरेक्शन में सक्सेसफुल नहीं करवा सकता. तो ये इस तरह के में और काफ़ी सारे सिंबल्स हैं जिनके बारे में हर रोज़ बात करूंगा, जो कि बहुत पावरफुल है जब आप उसको उच्चारण करते हो या जब आप उसके बारे में बातचीत करते हो. लेकिन यही सिंबल उतना स्ट्रांग या उतना अच्छा नहीं है जब आप इसको एज ए लोगो यूज़ करते हो. तो ऐसे कई, जैसे कल मैंने स्वस्तिक के बारे में बात किया, आज मैं ओम के बारे में बात किया, ऐसे में कई सारे दुनिया भर के जो सैक्रेड सिंबल्स हैं, जो कि हज़ारों साल से इस पृथ्वी पे है, पृथ्वी में लोग यूज़ कर रहे हैं, उन्हीं चीज़ों को हम लोग और डिस्कस करेंगे कि किस किस सिंबल को एज अ लोगो आपने अवॉइड करना चाहिए. तो पहला था स्वस्तिक और दूसरा है ओम. तो डोंट नेवर नेवर यूज ओम
in Devanagari script as a logo for your organization. Thank you very much for watching. I hope that you must have liked the information which I was shared in the video, and let's meet tomorrow, same time, same place. Thank you.